तब्दीली गले कब नहीं पड़ी? भुट्टो साहब क्या गले नहीं पड़े थे? नवाज शरीफ क्या गले नहीं पड़ा? ये जो साहब हैं, ये ऐसा लगा जैसे लेबोरेटरी से वायरस निकल के भाग गया और फिर काबू में नहीं आया। ये मुझे फर्क लगता है बाकी किरदारों में और इस किरदार में। तब्दीली गले कब नहीं पड़ी? भुट्टो साहब क्या गले नहीं पड़े थे? नवाज शरीफ क्या गले नहीं पड़ा? ये जो साहब हैं, ये ऐसा लगा जैसे लेबोरेटरी से वायरस निकल के भाग गया और फिर काबू में नहीं आया। तो ये मुझे फर्क लगता है बाकी किरदारों में और इस किरदार में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि तारीख की जो डायनामिक्स होती हैं, तारीख एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज है कि जब उसे काम लेना होता है किसी से भी, तो हो सकता है कि हमारे जहन में उसकी जो भी तस्वीर बन रही हो कि ये जी इंतहाई चालाक आदमी है, ये इंतहाई स्टूपिड आदमी है, इसको आधा पता है आधा नहीं पता, कुछ भी कह लें, इसलिए कि हमारी राय परफेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये जो तारीख है, ये इतनी जालिम है कि ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए, और इतनी खुदगर्ज है कि ये खुद को आगे बढ़ाने के लिए जीनियस से जीनियस को भी डफर की तरह यूज कर सकती है और डफर को भी जीनियस की तरह यूज कर सकती है, और इस पे हमारा कोई बस नहीं चलता है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो इन भाई साहब का कोई, इनके वजूद का कोई एहसान हो ना हो, लेकिन एक एहसान तो मैं जरूर मानता हूं कि जिस तरह भुट्टो साहब को अगर वन लाइन में मैं डिफाइन करूं, तो भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो वो आदमी है जो पाकिस्तान में सियासत को ड्राइंग रूम से, गिरेबान से पकड़ के सड़क पे ले आया। वो दूसरी बात है कि अब उसका करे क्या, सड़क पे लाने के बाद वो नहीं कर पाया। इसी तरह मुन्ने के अब्बा का नाम था टैबू। फरिश्ते होते थे, महकमा ज़रात होता था, कुछ भी होता था, लेकिन टैबू खत्म कर दिया। अब हिस्ट्री यहां से अपना अगला जंप लेगी, पीछे नहीं जा सकती। अब ये नुकसानदेह है फॉर द टाइम बीइंग या फायदेमंद है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिस्ट्री को एक जंप लगवाया हिस्ट्री ने इस आदमी के जरिए। ये वो क्रेडिट है जो मैं दूं ना दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।